नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान भी क्या अब एनडीए से बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान भी अब एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए को चुनौती चिराग पासवान देते हुए नजर आए। दावा किया जा रहा था कि राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा को सीटें दी जाएंगी और सीटों के तहत जहां राष्ट्रीय लोजपा को 3 तो वहीं 2 से 3 सीटें यहां पर लोजपा को भी दी जा सकती थी। लेकिन जब सीट बंटवारा बिहार में एनडीए का होता हुआ नजर आया तो पशुपति पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उस पर एक भी सीट यहाँ पर नहीं दी गई। तो वहीं लोजपा की बात करें तो 5 सीटें यहाँ पर चिराग पासवान को दे दी गई, जिसमें खगड़िया, जिसमें समस्तीपुर, जिसमें वैशाली, जिसमें जमुई, जिसमें हाजीपुर भी शामिल हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि एनडीए के खाते से ये सीटें यहां पर छिटकती हुई नजर आएंगी। यानी कि दावा किया जा रहा है कि बिहार में 17 सीटों पर इस बार एनडीए से मटता हुआ नजर आएगा, जिसमें से चिराग पासवान के खाते से बात करें तो वो बड़ी बड़ी सीटें यहां पर जा सकती हैं। जैसा कि जमुई को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें उन्होंने अपने जीजा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। दावा किया जा रहा है कि अगर चिराग पासवान इसी सीट से चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि ये सीट यहाँ पर चिराग पासवान जीत जाते। लेकिन चाचा यहाँ पर पशुपति पारस के साथ जो नाराजगी देखने को मिली, एनडीए को जो तल्ख तेवर चिराग पासवान देते हुए 5 सीटें लेते हुए नजर आए, अपने ही जीजा को चुनावी मैदान में उतारना, ये बड़ा नुकसान चिराग पासवान झेल सकते हैं। दूसरी तरफ हाजीपुर की बात करें जहाँ पर सांसद पशुपति पारस थे, लेकिन चिराग पासवान का दावा था कि वो अपने पिता की सीट को वापस लेना चाहते हैं। तो ऐसे रामविलास पासवान इस सीट से सांसद रह चुके हैं और उनके देहांत के बाद चिराग पासवान इस सीट पर दावा ठोकते हुए नजर आए, इसलिए अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पशुपति पारस से जो बैर मोलते हुए नजर आए हैं, यही एक बड़ा नुकसान यहां पर चिराग पासवान के लिए बन सकता है। अगर ये सीटें चिराग पासवान के खाते से जाती हुई नजर आएंगे तो चिराग पासवान हो सकता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की तरह कोई बड़ा फैसला यहां पर लेते हुए नजर आए, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर कई बार तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि उन्हें अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। कैसे रामविलास पासवान का निधन हुआ था जब जनपद रोड पर उनका बंगला था, कैसे सामान बाहर फेंक दिया गया था, खाली करवा दिया गया था, हनुमान का अपमान हुआ था, वैसे ही चिराग पासवान को लेकर उनका ये कहना, ये तो मेरे भाई हैं, इन्हें समझाना, यहाँ पर हमारा दायित्व है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव की इन बातों के तहत चिराग पासवान क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।